नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। एमपी फिर से तेंदुआ प्रदेश बन चुका है। एमपी में कुल 3,907 तेंदुए हो चुके हैं। केंद्रीय वन मंत्री ने यह आंकड़ा भी जारी किया है। देश भर में कुल 13,874 तेंदुए हैं। केंद्रीय वन मंत्री का ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने लिखा, आज भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की जा रही है। ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत में तेंदुए के कब्जे वाले 70% क्षेत्र में तेंदुए की अनुमानित आबादी अब 13,874 है, जो 2018 में 12,852 थी। मध्य भारत में सबसे अधिक आबादी दर्ज की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश में 3,907 तेंदुए हैं। पीएम श्री के तहत नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये संरक्षण यात्रा एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के लोकाचार का प्रतीक है। इस महत्वपूर्ण मिशन में सभी योगदानकर्ताओं को बधाई। तो एमपी फिर से तेंदुआ प्रदेश बना है और इस पर कहीं ना कहीं खुशी भी भूपेंद्र यादव, केंद्रीय वन मंत्री ने जाहिर की है। एमपी फिर से तेंदुआ प्रदेश बना है और आपको ये भी बता दें, एमपी में कुल 3,907 तेंदुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए प्रशांत कटारे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, बड़ी खुशी की खबर है कि एमपी फिर से तेंदुआ प्रदेश बना है। हालांकि अगर हम जिक्र करें तो इस बार जो तेंदुए की संख्या बढ़ी है वो दूसरे स्टेट यानी कर्नाटक में ज्यादा बढ़ी, लेकिन बावजूद हम अभी भी तेंदुआ स्टेट में नंबर वन बने हुए हैं। अभी अगर हम कहें तो मध्य प्रदेश में कुल 3,907 तेंदुए हैं। दूसरा, एक सबसे बड़ी बात यह कि मध्य प्रदेश में जो इस जानवरों के लिए एक बात जो वातावरण है वो काफी अनुकूल मिलता है, और इसी की वजह भी एक ये थी कि चीता के लिए भी मध्य प्रदेश को सबसे अनुकूल माना गया। टाइगर स्टेट हम पहले से हैं, तेंदुआ स्टेट भी हम बरकरार रखे हुए हैं, और धीरे धीरे चीता अगर हम कहें तो संभव है कि हमारे राज्य में चीताओं की संख्या भी लगातार बढ़ेगी। जो ड्रीम अगर हम कहें प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, उस पर भी आगे बढ़ेंगे। दरअसल दूसरा मसला ये कि एनटीसी जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्य जीव संस्थान WII ने भारत मतलब जो देश में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी किया, और उसी रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। और एक बड़ी बात है, इसके दो तीन पहलू भी समझिए आप कि पर्यटन के क्षेत्र में भी विस्तार होगा, चूंकि टाइगर देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में जो नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है उन वहां पहुंचते हैं बड़ी संख्या में पर्यटक। अब तेंदुओं की संख्या भी बढ़ी है तो स्वाभाविक है ये और आकर्षित करेगा पर्यटकों को। इस नजरिए से देखें तो ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए प्रशांत। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जिक्र छिंदवाड़ा का करेंगे। नकुलनाथ ने अटकलों पर विराम लगा दिया है। जनसभा में सांसद नकुलनाथ ने साफ किया, ना तो कमलनाथ और ना ही मैं बीजेपी में जा रहा हूं, ये अफवाह तो बीजेपी के लोग फैला रहे हैं। बयान के बाद बीजेपी में जाने की अटकलें लगातार थी और अब उस पर विराम लगा दिया गया है नकुलनाथ द्वारा। भाजपा के लोग अफवाहें फैला रहे हैं, कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं, मैं भाजपा में जा रहा हूं। मैं आज इस सभा में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ना ही कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं, भाजपा के लोग अफवाह फैला रहे हैं कि कमलनाथ जी। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राजेश करमेली हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, पहले खुद में बाजार अटकलों का तेज किया गया, अलग अलग तरह के बयान कांग्रेस के द्वारा, नकुलनाथ के भी द्वारा, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से संकेत थे, पर अब वो खुद बीजेपी पर आरोप लगाते आ रहे हैं कि अफवाहें बीजेपी के द्वारा फैलाई गई, हमारे यहां से ऐसा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए पिछले 15-20 दिन के अंतराल में काफी कुछ चेंजेस आया है। लगातार ये अटकलें चली कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ भाजपा ज्वाइन करेंगे, इसको लेकर नाथ की घटनाक्रम भी हुए। दिल्ली में जब इनका दौरा हुआ तो दिल्ली में भी पूरा मीडिया से लेकर तमाम तरीके के नेता इस बात पर नजर लगाए थे कि कहीं बीजेपी में ये लोग ज्वाइन ना कर ले। लेकिन आज जिस तरीके से सभा में सांसद नकुलनाथ ने साफ किया है उससे पूरी तरह अटकलों पर विराम लग गया। जो कांग्रेस के लोग थे, बीजेपी के लोग थे, शायद इसी बयान का इंतजार कर रहे थे, लंबे समय से इस तरीके के बयान का इंतजार किया जा रहा था जो आज सामने आया है। जी जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।
और एमपी से बीजेपी उम्मीदवारों पर आज मुहर लग सकती है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की आज लिस्ट आ सकती है। सीएम यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज फिर दिल्ली जाएंगे। बता दें प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीट के प्रत्याशी आज तय हो जाएंगे। दिल्ली में आज सीईसी की बैठक में अंतिम मुहर लगने जा रही है। देर रात तक पहली सूची आ सकती है। ये भी आपको जानकारी दे दें कि 14 नए चेहरे होंगे जिन्हें मौका मिल सकता है। करीब 10 सांसदों को फिर से मैदान में उतारा जा सकता है। भोपाल, विदिशा, रतलाम, झाबुआ, रीवा, ग्वालियर के सांसदों के टिकट कटेंगे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का जिक्र करें तो ये खजुराहो से ही चुनाव लड़ने की इनकी उम्मीद है। शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो ये विदिशा से चुनाव लड़ेंगे और वहीं सिंधिया की अगर हम बात करें तो वो गुना से लड़ाए जा सकते हैं। भोपाल से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो सांसद रही उनका टिकट कटना तय है। और एमपी सरकार के आदेश का विरोध हमें देखने को मिला है। सरपंच को दिया पेड़ कटाई की अनुमति देने का अधिकार। पहले तहसीलदार के पास था अधिकार। जबलपुर में एक महीने में काटे गए हैं हजारों पेड़। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने इसका विरोध भी किया है। पत्र लिखकर संशोधन को निरस्त करने की मांग की। न्यायालय में आदेश को चुनौती देने का ऐलान भी किया है। तो एमपी सरकार के आदेश का विरोध यहां पर देखने को मिल रहा है। दरअसल सरपंच को पेड़ कटाई की अनुमति दी और इसका अधिकार दिया जिसका विरोध कहीं ना कहीं होने लगा है। और अब बात करते हैं डिंडौरी सड़क हादसे की और इस मामले में अमहाई देवरी ग्राम में मातम पसरा हुआ है। गांव में 10 लोगों को एक साथ दफन किया गया। जेसीबी मशीन से गड्ढा किया गया और उन्हें दफन किया गया। ग्रामीणों को अंतिम विदाई, जो मृत ग्रामीण हैं उनको अंतिम विदाई देने के लिए लोग भी उमड़ पड़े। 10 लोगों का एक साथ अंतिम संस्कार, उन्हें दफन किया गया और मातम पसरा हुआ डिंडौरी में नजर आया। बड़ा सड़क हादसा हुआ कल देर रात और उसके बाद कई सारे लोगों की जान चली गई, कई सारे लोग घायल हो गए। बता दें एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी इकट्ठा निकले थे, अपनी वाहन कराई थी और इसी बीच ये बड़ा हादसा हुआ। उज्जैन का जिक्र करेंगे। रेप के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। बुलडोजर एक्शन यहां पर लिया गया है। दुष्कर्म के आरोपी का मकान ढहा दिया गया। आरोपी का नाम सुरेश बर्रा है जिसके अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। बच्ची के साथ दुष्कर्म का यह आरोपी है। नगर पालिका नागदा ने अवैध निर्माण गिरा दिया है। रेप के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। रेप के एक आरोपी का मकान अतिक्रमण में आ रहा था, उसे तोड़ने की कार्रवाई की गई है और ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां चलती रहेगी। पटवारी भर्ती पर भोपाल में विरोध देखने को मिला। अभ्यर्थियों ने सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग इनके द्वारा की गई है। फिर से परीक्षा कराने की मांग ये कर रहे हैं। अब दिल्ली में विरोध प्रदर्शन अभ्यर्थी करने जा रहे हैं। साथ ही अभ्यर्थियों ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हिरासत में लेकर परेशान करने के आरोप इनके द्वारा लगाए गए हैं। जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग इनके द्वारा की जा रही है और 2 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया है। जैसे कल प्रदेशव्यापी आंदोलन पटवारी फर्जीवाड़े को लेकर किया गया था और जिस तरह से उसमें जो जांच की गई है और उस जांच को सार्वजनिक करने नहीं की गई है, हम लोगों ने उसी को लेकर कल भोपाल में प्रदेशव्यापी आंदोलन किया था और हमने ये मांग किया था कि इस जांच को सार्वजनिक करें और उसके साथ ही जो चीफ जस्टिस है मध्य प्रदेश के, उनके निगरानी में SIT गठित हो और इसकी पूरे पटवारी फर्जीवाड़े की जांच हो और अगर इस जांच में 50% से ज़्यादा फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो ये एग्ज़ाम निरस्त हो और 6 महीने के अंदर ये जो एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए। सरकार से पुनः एक बार मांग करते कि अगर 2 दिन में हमारी इन मांगों को नहीं माना जाता है तो हम लोग अब दिल्ली के लिए कूच करेंगे। जिस तरह से किसान दिल्ली में अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश के युवा भी जो शिक्षा माफिया को खत्म करने के लिए।
रीवा में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 1.5 क्विंटल पनीर जब्त किया है। मिलावटी पनीर होने की आशंका जताई जा रही थी। खाद्य विभाग ने एक युवक को भी पकड़ा। खाद्य विभाग ने जांच के लिए अब सैंपल ले लिए हैं और इन्हें भेज दिया गया है जांच के लिए। 1.5 क्विंटल पनीर जब्त किया गया है। रीवा का हम जिक्र कर रहे हैं जहां पर मिलावटखोरों के खिलाफ नकेल कसने का काम किया जा रहा है। बाहरी क्षेत्रों से रीवा क्षेत्र में कुछ संदिग्ध पनीर भेजा जा रहा है। आज 29 तारीख है, आज शादियों का काफी बड़ा लग्न भी है, तो इस संबंध में सूचना प्राप्त होने पर हमारे द्वारा बस स्टैंड पे निगाह रखी जा रही थी। तो आज बस स्टैंड पे मछली की जो पेटियां होती हैं थर्मोकोल की बनी हुई, इनमें करीब 1.5 क्विंटल के आसपास पनीर जो है जब्त किया गया है। ये पूरा संदेहास्पद है और ये पूरा इसमें मछली की स्मेल आ रही है जिन कंटेनर्स में रखा गया है। आगे क्या कार्रवाई, ये समस्त